आपकी बॉडी, आपका शेप, आपका फिगर बहुत अच्छा नहीं है भगवान, शायद आपको थोड़ी बेहतर हाइट देता तो अच्छा होता, ये देता तो अच्छा होता, इनके बारे में क्या ख्याल है, इनके बारे में, और इनके बारे में क्या ख्याल है। शुक्र मनाइए, बॉडी पार्ट्स हैं, शुक्र मनाइए। आपकी आंखें बहुत सुंदर नहीं है, बड़ी होनी चाहिए थी और बड़ी सुंदर, इनके बारे में क्या ख्याल है, इनके बारे में। आपका बच्चा बहुत स्मार्ट नहीं है, बहुत तेज नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, डांस नहीं करता, डिबेट नहीं जीतता, क्विज नहीं जीतता, फर्स्ट नहीं आता ना, बहुत कमी है आपके बच्चे में, दिन भर डांटते हैं, डपटते हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है। फाइव स्टार होटल में खाना नहीं खा सकते, लग्जरीज अफोर्ड नहीं कर सकते, इनके बारे में क्या ख्याल है, और इनके बारे में। शुक्र मनाइए, हर वक्त का भोजन है, शांति नहीं है, कॉलोनी में शांति नहीं है, शहर में शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, इनके बारे में क्या ख्याल है। जिनको ये भी नहीं पता कल ये जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कल एक बम, एक आतंकवादी हमला इनके शहर को तबाह कर देगा क्या, इनको नहीं पता। आप कौन सी छोटी सी शांति की बात कर रहे हैं, क्या कमी है, पैसा नहीं है, क्या कमी है, बैंक बैलेंस, एफडी, जेवर जरा कम, शरीर पूरा स्वस्थ है, अपने दिमाग से सोच सकते और उस पर गर्व नहीं है ना, दिमाग से सोच सकने की क्षमता पर, और उस सोच सकने की क्षमता में सिर्फ नेगेटिव यदि सोचना है ना, इनको देख लीजिए एक बार, अपनी सोचने की क्षमता पर गर्व हो जाएगा आपको। साथियों, आज मैं कहना चाहता हूं, लाख कारण है खुश होने के, लेकिन हमने चश्मा लगा रखा है कमी देखने का, तकलीफ देखने का। और यदि मेरी बात में यकीन नहीं होना तो एक काम करना, एक कॉपी पेन ले लो और इस क्षण लिखना शुरू करो, कौन कौन सी चीज है जिसके लिए शुक्रिया अदा कर सकते, मुंह से बोल सकते हो उसका शुक्रिया, कान से सुन सकते हो, आंख से देख सकते हो, घर में कोई प्यार करने वाला है, कोई याद करने वाला है, एक छोटी बड़ी कैसी भी एक नौकरी है, खाना टाइम पे मिलता है, सिर ढकने के लिए छत है, अपनी हो चाहे किराए की हो, घर में बच्चा है, गोरा काला बड़ा छोटा नाटा कैसा भी हो, माता पिता है, भाई है, कोई है जो विपत्ति में आपके काम आ सकेगा, आपका एक एक्सीडेंट होगा तो चार लोग देखभाल के लिए हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं है। आप अपने दिमाग से सोच सकते, अपने मुंह से अपने विचार रख सकते, अपने हाथ से अपने काम कर सकते। एक काम करिए, ये जितनी भी चीजें हैं आपके पास, इन सब को लिखते चले जाइए कि कितनी नेमतें, कितनी खुशकिस्मतियां ऊपर वाले ने बरसाई हैं, और एक दूसरा पेज लिख लेना जिसमें ये लिख लेना क्या कमी है, कितनी बड़ी बड़ी कमियां हैं। विश्वास करिए, जब हम अपने लोकप्रिय प्रोग्राम एक्सीलेंस गुरुकुल में एक्सरसाइज करवाते हैं तो लोग ग्रेटफुलनेस एक्सरसाइज में 200 पन्ने भर देते हैं उपलब्धियों के नाम से, और जब कमी लिखने जाते हैं तो 4-5 में हाथ कांपने लग जाता है। प्रश्न ये है, जीवन को समस्याओं के चश्मे से देखेंगे कि समाधान के चश्मे से, प्रॉब्लम के चश्मे से कि सॉल्यूशन के चश्मे से, खुशियों के चश्मे से कि दुख के चश्मे से, होप के चश्मे से कि हताशा के चश्मे से, आशा के चश्मे से, उम्मीद के चश्मे से, उल्लास के चश्मे से, हर्ष के चश्मे से, सहयोग के चश्मे से देखेंगे तो हर हाथ आपको अपनी ओर बढ़ा हुआ मिलेगा, हर चौथा दरवाजा आपकी मदद करने को तैयार होगा, आपके आसपास के लोग आपको प्यार करते हुए नजर आएंगे, और यदि आपने काला चश्मा लगा रखा है तो सारी दुनिया में तकलीफें हैं, बहुत तकलीफें ना आपकी जिंदगी में, इन सब लोगों को देख लेना, और यदि अच्छा लगे तो इन्हीं में से किसी की जिंदगी मांग लो, यदि इतना ही है तो चुनाव आपका है। और हाँ, आज मेरा वीडियो सब्सक्राइब मत करना, नहीं बेल आइकन के लिए कहूंगा, नहीं शेयर करने के लिए कहूंगा, बस ये करना कि 7 दिन बहुत खुशी के साथ जीना, बहुत खुशी के साथ।